जय जोहार, नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं सीएस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 7 जुलाई, 7 जुलाई 2022, और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज का करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान एवं मक्का से एथेनॉल बनाने का कारखाना कहाँ लगाया जाएगा? ऑप्शन को देखिए दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही आंसर है, उपरोक्त दोनों लुंड्रा पथर्रा दोनों में। दोस्तों देखिए कि छत्तीसगढ़ में धान एवं मक्का से एथेनॉल बनाने का जो है प्लांट बेमेतरा जिले के दोस्तों पथर्रा और सरगुजा जिले के अंतर्गत दोस्तों लुंड्रा, तो लुंड्रा के जमीरा गांव में लगाया जाएगा दोस्तों एथेनॉल प्लांट। याद रखिए दोस्तों कि दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा भी कर दी है, और इसके तहत दोस्तों देखिए 373 करोड़ रुपए का निवेश होगा, और इस प्लांट से दोस्तों 2.65 लाख लीटर एथेनॉल रोज उत्पादन होगा एवं दोस्तों 8 मेगावाट दोस्तों बिजली का भी उत्पादन होगा। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ को दोस्तों स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है। देखिए, एस्पायरिंग लीडर, याद रखिएगा एस्पायरिंग लीडर। देखिए दोस्तों कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में दोस्तों छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए एस्पायरिंग लीडर से दोस्तों सम्मानित किया गया है, और ये है कि दोस्तों एस्पायरिंग लीडर श्रेणी के अंतर्गत दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल है, वहीं बिहार व आंध्र प्रदेश को दोस्तों इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में रखा गया है। देखिए, विभिन्न श्रेणी है दोस्तों स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। देखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के अंतर्गत दोस्तों गुजरात, कर्नाटक, मेघालय को रखा गया है, वहीं टॉप परफॉर्मेंस के अंतर्गत दोस्तों केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना को, और लीडर्स के अंतर्गत दोस्तों असम, पंजाब, तमिलनाडु और आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं दोस्तों एस्पायरिंग लीडर्स के अंतर्गत दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इमर्जिंग के अंतर्गत दोस्तों बिहार और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। स्टार्टअप रैंकिंग से दोस्तों दूसरा सवाल और भी है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, याद रखना है हमेशा के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को दोस्तों स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट चुना गया है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, गुजरात। तो देखिए दोस्तों कि स्टार्टअप के लिए मजबूत इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए गुजरात, कर्नाटक और मेघालय को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है, और इसमें गुजरात को दोस्तों इस साल भी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट चुना गया है। और ये है दोस्तों कि देखिए कि गुजरात जो है लगातार तीसरे स्टार्टअप रैंकिंग के पहले पायदान पर है, और स्टार्टअप शुरू करने का दोस्तों सबसे बेहतरीन माहौल गुजरात, कर्नाटक और मेघालय में है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है, देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन को देखिए दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ई सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं, सभी को शामिल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दोस्तों पहली बार राज्य के 4 जगह के स्मारक को दोस्तों राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जाएगा, और इसमें दोस्तों मधुपी द्वीप जो कि मुंगेली जिला में आता है दोस्तों, ठीक है, और वहीं दोस्तों आपका तर्री घाट दोस्तों जो कि दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है, महेशपुर जो कि अंबिकापुर के अंतर्गत दोस्तों सरगुजा जिले में आता है, डमरू दोस्तों बलौदा बाजार इसको शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। और देखिए दोस्तों इसके संबंध में कुछ विशेष है, मधुपी द्वीप, मधुपी द्वीप के बारे में आप देख लीजिए कि शिवनाथ नदी के बीच में है दोस्तों ये मधुपी द्वीप, और यहाँ दोस्तों गणेश प्रतिमा के साथ 11वीं शताब्दी के शिव मंदिरों के प्राचीन अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये है कि तर्री घाट दोस्तों, तर्री घाट आपका दुर्ग जिले में है, पुरातत्व विभाग की खुदाई में दोस्तों खारून नदी के तटीय इलाके में कई पुराने टीलों और दोस्तों प्राचीन नगरों के अवशेष व शिलालेख मिले हैं। वहीं दोस्तों डमरू, डमरू दोस्तों बलौदा बाजार से लगभग 14 किलोमीटर दूर डमरू गाँव में दोस्तों पुरातत्व विभाग की खुदाई में भगवान बुद्ध का जो है पदचिन्ह समेत कई तरह की मूर्तियाँ मिली हैं। और ये है महेशपुर, महेशपुर दोस्तों सरगुजा जिले के अंतर्गत दोस्तों अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर महेशपुर में मौर्यकालीन नाट्यशाला अभिलेख मिले हैं, और यहाँ दोस्तों प्राचीन टीला, शैव वैष्णव और जैन धर्म की जो है कलाकृतियाँ हैं, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत स्थापित गोठानों में अब तक कितने गोठान स्वावलंबी हो गए हैं? देखिए दोस्तों, ए बी सी या डी।
ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, 3089। तो देखिए दोस्तों कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में दोस्तों अब तक स्थापित 8408 गोठानों में से दोस्तों 3089 जो है गोठान स्वावलंबी हो गए हैं, अर्थात दोस्तों इन्हें गोबर खरीदी सहित दोस्तों अन्य खर्च के लिए सरकार से पैसा नहीं मांगना पड़ रहा है। और इन गोठानों ने दोस्तों अपने दम पर 15.93 करोड़ की जो है गोबर खरीदी कर चुके हैं। और ये है दोस्तों, देखिएगा कि रायगढ़ जिला जो है स्वावलंबी गौठानों के मामले में दोस्तों प्रथम स्थान पर है। रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा दोस्तों 279 गौठान जो है स्वावलंबी हुए हैं। और देखिए दोस्तों कि जांजगीर चांपा जिला जो है वो प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, यहाँ दोस्तों 221 गौठान जो है वो स्वावलंबी हुए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका जांजगीर चांपा जिला है, यहाँ पर दोस्तों 190 गौठान जो है वो स्वावलंबी हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट्स में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन को देखिए दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, केरल। देखिए कि दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट्स 2022 में दोस्तों अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को दोस्तों एशिया में पहला स्थान मिला है, और इसे स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है, देखिए हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन को देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, चौथे। देखिए कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है, और 2021 में दोस्तों देश ने 75 टन जो है रिसाइकल किया है। और ये है दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार चीन दोस्तों 168 टन पीली धातु को रिसाइकिलिंग करके दोस्तों वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखिए छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किसका चयन 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच ऑर्बिटर के लिए हुआ है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।